हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। ये स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, ये मैंने वीडियो डाला था जब ये भर्ती आई थी। ये भर्ती आई थी 4 जुलाई को, और जब मैंने वीडियो डाला था तो यहाँ पे लिखा था सबसे आसान भर्ती है, सभी अप्लाई करो, सबसे मस्त जॉब है। और आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग में एक बात और बताऊँ, यहाँ पर मैंने आपसे कहा भी था कि अगर आप आज से भी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो भी सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारे रिप्लाई मुझे ऐसे मिले थे जिनमें आप लोगों ने बताया था कि सर टाइम कम है, जो आपका स्टेनो की जो तैयारी होती है उसमें काफ़ी टाइम लगता है वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन दोस्तों, आपने वो सारे रिप्लाई इसलिए किए थे क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे जैसे बताया गया है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इस हिसाब से तो बहुत कम टाइम था। लेकिन हमें तो पता है ना कि किस प्रकार से सारा काम होता है राजस्थान में। और एक स्पेशल बात मैं इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको बताना चाहता हूँ, यही एकमात्र ऐसी भर्ती है महिला सुपरवाइजर को छोड़ दें तो, जिसमें मेरे पास न केवल राजस्थान के बल्कि चंडीगढ़ के, दिल्ली के, बॉम्बे के, अदर स्टेट के, जो दूर दूर के स्टेट हैं वहाँ के स्टेट के स्टूडेंट के भी सुझाव मिले हैं, जानकारियाँ उन्होंने प्राप्त करनी चाहिए। तो एक अच्छी भर्ती है। और दूसरी बात यह है, अब इसका जो है सिलेबस आ चुका है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सिलेबस में देखिए, ये जो भर्ती है इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है सिलेबस में, लेकिन आपको कुछ सेलेक्टिव चीज़ों पर ध्यान देना है, वही आपको फ़ायदा दिला सकती है। फर्दर अगर आप पूरी चीज़ों को 1 से लेकर 1000 तक करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। एक बात मैं और बता दूँ, अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, आज से लग जाओ। जहाँ तक मेरा मानना है, ये जो भर्ती है इसका एग्ज़ाम अभी थोड़ा देरी से होगा, थोड़ा दूर है भाई एग्ज़ाम, तो आपको समय है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आरएसएमएसबी ने जब बोला था, हालांकि दोनों एक ही बात है, आरपीएससी को या आरएसएमएसबी, इन एग्ज़ाम इनके इसी प्रकार से होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि अक्टूबर या नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ऐसा चिंता छोड़ दीजिए, आगे खिसक सकता है ये, जहाँ तक अनुमान है, ठीक है ना। अब ये बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, सिलेबस में किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो दोस्तों, मेरे पास स्क्रीन पे ये आपका सिलेबस है, और इसके अंदर आप देखें तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है आपका, टोटल 2 प्रश्न पत्र होंगे फेज 1 के अंदर। पहला प्रश्न पत्र होगा वो होगा सामान्य ज्ञान, यानी कि जीके या जनरल अवेयरनेस जिसे हम बोलते हैं, जनरल साइंस होगी, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान होगा। और यहाँ पर मैं आपको बात करूँ द्वितीय प्रश्न पत्र की, तो उसके अंदर आपके हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन आएगा। अब देखिए दोस्तों, करना क्या है यहाँ पर, वैसे अगर क्वालिफाई करना है तो आपको सबसे पहला टारगेट तो ये है, उसके बाद स्टेनो के लिए आपको टाइम मिलेगा, टाइपिंग के लिए भी राजस्थान में 1 से 1.5 महीने का टाइम अभी तक 2018 के हर एग्जाम में दिया है, तो डेफिनेटली वो आपको एक्स्ट्रा टाइम तो मिलने ही वाला है। इसलिए आप स्टेनो की तैयारी की इतनी चिंता ना करें। और बेसिकली अगर आपने, मैंने जैसे कहा था 4 जुलाई से, तो अगर तब से की होगी तब तक तो आपको पता चल गया होगा कि ठीक ठाक जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ बहुत कुछ है, राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, यानी कि जितना भी करंट अफेयर जो है वो आपको पढ़ना है। लेकिन करंट अफेयर में जब हम पढ़ने जाते हैं तो अलग अलग करंट अफेयर हर जगह उपलब्ध है, कभी ज़्यादा करंट अफेयर मत तैयार करना। करंट अफेयर के ज़्यादा अगर हो सके टाइम आपके पास हो तो क्रोनोलॉजी की बुक आती है, बहुत सारी अलग अलग बुकें आती हैं। मैं बुक का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम करंट अफेयर देते हैं, हम करंट अफेयर कैसे देते हैं, पूरे दिन भर की घटनाओं को देखते हैं, दिन भर में क्या हुआ, साहब पेटीएम का कल इश्यू हुआ, तो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या होगा कि पेटीएम के संस्थापक कौन है। अब जरूरी थोड़ी कि जो एग्जाम करा रहा है उसका क्वेश्चन वो हो, क्योंकि हमने तो एक दिन का देख के पेपर बनाया ना, एक दिन का देख के क्वेश्चन बनाया, क्योंकि हमें कल करंट अफेयर देना है, आज का मुझे सब कुछ बताना है स्टूडेंट को, तो हमने एक दिन के जब 100 क्वेश्चन निकाल दिए तो प्रायोरिटी नहीं होती दोस्तों। हम नहीं, मतलब मैं सबकी बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक चैनल कम से कम 4-4 घंटे फिर के वीडियो डालता है आजकल, अलग अलग टाइम पे जो बड़े चैनल हैं। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया बात ये होगी कि 500 ऐसे क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए जाए, या मैंने भी टेलीग्राम पे बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डाल रखे हैं, आपको नहीं मिले तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको PDF दे दूंगा, ताकि सेलेक्टिव करंट अफेयर आप पढ़ें। क्योंकि करंट अफेयर के आपके पास ज़्यादा कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएंगे करंट अफेयर के, 5 मान लीजिए खींच के। अब 5 क्वेश्चन के लिए आप 500 क्वेश्चन पढ़ लें, ये बहुत है यार। इसके बाद अगर ऊपर जाता है तो फिर वो किस्मत पे छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन के लिए आप 5000 क्वेश्चन तैयार ना करें। तो करंट अफेयर का विशेष ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती करी है,
जो करंट अफेयर के लिए सुबह से लेकर शाम तक ढेले एक एक घंटा दे दिया, और हुआ ये कि जो पढ़ा हुआ करंट अफेयर आया वो याद नहीं रहा उस टाइम पर जब एग्जाम हुआ। तो कम से कम ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है जो पढ़ें वो याद हो आपको, उसको आप एग्जाम में सही कर सके। तो इसलिए मैंने 500 क्राइटेरिया रखा। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, डेली आप करंट को तैयार करते हैं, तो मेरे ख्याल से 500 क्वेश्चन काफ़ी है। भारत का भूगोल एंड प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भारत का भूगोल नाम सुनते ही एक दिमाग में एक थोड़ा सा कौतूहल का विषय हो जाता है कि भारत का भूगोल कोई ऐसा छोटा मोटा चीज़ तो है नहीं कि इन्होंने तो लिख दिया। तो यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, राजस्थान का जो भूगोल है, अब राजस्थान का भूगोल भी कोई छोटा मोटा नहीं है, तो राजस्थान के भूगोल में जो प्राकृतिक संसाधन, जलीय संसाधन, क्योंकि जलीय संसाधन वाले क्वेश्चन बहुत बने हैं। जैसे मान लीजिए कि बांसवाड़ा से होते हुए अपने जो है अलग अलग नदियाँ हैं, माही नदी कहाँ बहती है, मेज नदी कहाँ बहती है, इस प्रकार का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो याद कर लीजिए। और भारत के अंदर जो फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ हो भूगोल की, बहुत ज़्यादा अप्रतिम चीज़ हो, उसको याद कर लीजिए। और इसके लिए मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ, जिस भी एग्ज़ाम में, अब आपको पता है कि हर एग्ज़ाम के आंसर की हम भी डालते हैं, सब लोग डालते हैं, हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आज किसी भी साइट से लेना बहुत ईजी होता है। तो आप जाइए उस साइट से क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए जिसमें भी भूगोल का पार्ट आता है, और वहाँ से आइडिया लगाइए कि किस प्रकार से बोर्ड पूछ रहा है। एक्चुअली होता ऐसा ही है, एक क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि भारत का भूगोल इतना बड़ा है, आपको स्टेनोग्राफर अगर बनना है तो आपको स्टेनो में ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम हालांकि पहला एग्ज़ाम है, पहले ये होगा उसके बाद में स्टेनो को, लेकिन अपने पास जो सुप्रीम टास्क है वो तो भाई स्टेनोग्राफी है ना। तो इस वजह से भारत के भूगोल को आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करने हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए आपको अगर वीडियो वगैरह चाहिए हो, PDF चाहिए हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे पास भूगोल की अच्छी खासी फैकल्टी है, उससे हम ये करवा देंगे। राजस्थान का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, यही मैं बात बता दी, खनिज, वन, जल, पशु, यहाँ पर जो लिखा हुआ ना चीज़, खनिज पूछा है तो खनिज ही पढ़ें। राजस्थान का भूगोल में हम क्या पढ़ने लग जाते हैं, राजस्थान की स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, सब कुछ क्या है। दोस्तों वो ठीक है, वो भी एक पार्ट ऑफ GK है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पर पूछा नहीं गया है। इतने एग्जाम हम देख चुके हैं, कहीं भी राजस्थान की स्थिति विस्तार का क्वेश्चन नहीं बैठा है। तो वैसे तो बैठ सकता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है आगे क्या होगा, लेकिन एक आइडिया ये जनरेट करना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो बने उनको तो अपन करें। ज़्यादा क्वेश्चन किसके बने, नदियों के बने हैं, एक डेट्स पे क्वेश्चन बने हैं कि फला जो कार्यक्रम हुआ है, जो रिफाइनरी लगी कब लगी, कितना परसेंट शेयर है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन फिलहाल 2018 में पूछे गए, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। जल का मैं विशेष कहता हूँ, वन, खनिज, जल, पशु, ये पशु जनगणना पे भी क्वेश्चन बने हैं, तो इनको जरूर आप पढ़ें। जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण पे थोड़ा सा आप अगर आंदोलन इनके पढ़ें तो ठीक है, नहीं तो कोई जो नहीं है। राजस्थान की भौतिक दशाएं वगैरह पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बने हैं, एक कर्क रेखा वाला क्वेश्चन बनता है, उसको आप देख लेना। राजस्थान में कृषि और सामाजिक आर्थिक विकास, दोस्तों इसके लिए सिर्फ आपको करना ये है, एक तो राजस्थान की जो योजना है उसका मैंने एक वीडियो दे रखा है, PDF भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है उसका, उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लें, जो योजनाएं निकली हुई थी या अभी वर्तमान में, जैसे भामाशाह योजना, उसके कई सारे चरण हैं और चरणों के नाम पूछे गए हैं, आपने देखा सूचना सहायक के अंदर, उसके बाद जो पेपर हुए उन सभी के अंदर क्या पूछा गया है, जैसे NRLMP कब शुरुआत हुई, ये पूछा गया है, DigiFest कहाँ मनाया गया, मतलब ऐसी जानकारी जो आपको है, DigiFest के बारे में जानकारी सबको थी, लेकिन एक एग्जाम में तो उससे इस 2018 का ना पूछ के 2017 का पूछ लिया गया, जो कि पहले और जगह मनाया गया था, 2018 का पूछ लिया, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके लिए मैं आपको प्रिपेयर करूँगा, मैंने एक PDF डाल रखा है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम पर जो अपना चैनल है, आर्थिक समीक्षा, उसमें क्वेश्चन ही है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही है, उन क्वेश्चनों को आप पढ़ लें तो ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। राजस्थान का इतिहास, प्राचीन घटना, मध्यकाल, अगर आपको आता है कुछ तो पढ़ लें, वरना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको एक बार देख लें, क्योंकि बहुत बड़ा है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। कला संस्कृति, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, इसके अंदर अगर आप मेरी बात माने तो लोक नृत्य एक भी नहीं छोड़ना है, किसी भी कंडीशन में लोक नृत्य छूटना चाहिए। और दूसरी बात, आभूषण का PDF मैंने दे रखा है, एक पेज का PDF है ओनली, उसी से कम 7-8 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो आभूषण वाला PDF आपको पूरा याद करना है, उसका वीडियो भी है YouTube पे, आप सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात, राजस्थान के आभूषण लिखेंगे आ जाएगा, DS गुरुजी लिख देना साइड में, और
उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको पता करना है कि जो अपने यहाँ पर ये अलग प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, ये भी ज़्यादा बड़े नहीं होते, इन इनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके क्वेश्चन रिसेंटली 2018 में काफ़ी ज़्यादा बने हैं। मेले त्यौहार पर भी क्वेश्चन बनता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। बाकी ये पर्यटन वगैरह इतना कुछ खास इनका आया नहीं है इस बार, हालांकि क्वेश्चन तो इनके ही बनते हैं, लेकिन ये इतना इतना आपको याद रखना है। दैनिक विज्ञान के अंदर दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, LDC के टाइम पे मैंने एक PDF दिया था, और उसी PDF को आप कर लें तो बहुत काफ़ी है। बाकी टॉप क्वेश्चंस जो GS के हैं वो डाल रखे हैं हमने, उसके भी 3-4 वीडियो है। और हमारी प्लेलिस्ट में जाएं तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी जनरल साइंस GK बाई दीपक शर्मा, तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें ये मिल जाएगी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक लेक्चर डिसाइड कर रखे हैं पर्टिकुलर, उसमें लेक्चर है, फिर उनको समझाया गया है, फिर उनसे पूछे गए क्वेश्चन हैं, फिर उनके बाद उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो एक प्रकार से सारा चीज़ आपके टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। आगे अब द्वितीय प्रश्न पत्र की मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको देख लीजिए कि अगर आपकी हिंदी ठीक है, मैं हिंदी ठीक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की है, क्योंकि हिंदी के जितने भी क्वेश्चन अभी तक भले RS का एग्जाम रहा हो, प्री का, या LDC की तरह सारे एग्जाम रहे हों, टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम रहे हों, हिंदी का लेवल जो है थोड़ा बिलो एवरेज रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी के लिए अगर आप थोड़ी सी ठीक है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और क्वेश्चन से माता बच्ची करें, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए डिस्कस करें, फालतू के जो चीज़ें हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर इंग्लिश आपकी कमज़ोर है या इंग्लिश में कोई इश्यू है तो इंग्लिश में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अब तक जो भी इंग्लिश और हिंदी के पेपर एक साथ कंबाइंड हुए हैं ना, उसमें दिक्कत इंग्लिश नहीं करी है ज़्यादातर, तो इसमें एक एक चीज़ के टॉपिक वाइज हमने वीडियो डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या और भी कई सारे चैनल हैं, या और कहीं PDF आपको चाहिए हो तो बता देना कमेंट में, मैं आपको दे दूंगा। तो इस प्रकार से अगर आप इसको करें तो ज़्यादातर आपको इसमें पहला वाला फेज है, पहला वाला जो पेपर है फेज 1 का, उस पर ध्यान देना है, फेज 2 में फिर आपको वहाँ पर पता चली जाएगा स्टेनोग्राफी आपकी किस प्रकार से है। यहाँ पर देख लीजिए पैटर्न कुछ इस प्रकार का होगा, 100 नंबर का आएगा, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, सामान्य हिंदी के 75 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी के 75 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र भी 3 घंटे का आपको मिलेगा, और ये नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है, तो थोड़ा इसका भी ख्याल रखें। आई होप थोड़ा क्लियर आपका हुआ होगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, मैं रेडियो गुरु जी के साथ। और भी कुछ जानकारी चाहिए हो कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा।